अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मेरे साथ जो एक मसला चल रहा था, मेरी ज़ेब्रा फिंच बार बार उड़ जाती थी। कभी मेल वाला उड़ गया तो कभी फीमेल वाली उड़ गई, कभी डव उड़ गई। यार कभी आए दिन आपको पता कुछ ना कुछ उड़ा के बैठा था, आपको न्यूज़ देता रहता था। तो यार आज मैंने उस मसले का हल कर लिया। आज मैंने ज़ेब्रा फिंच का जो केज है उसके डोर डबल कर लिए, एक ऊपर था एक नीचे बना लिया। मैं आपको दिखाता हूँ जी कैसे मैंने किया। यहाँ पर देखिए जी, ये जो तुम इधर बैठे हो, मैंने इसके डोर को खोल दिया था। मैं कहा यार जो दाना शाना गिरा है बाहर आके खाए, और ये इधर आके घुस गया। उसका मैंने डोर क्लोज़ कर दिया था कि वापस ना जाए, और उसको इधर रास्ता मिला, यहाँ पर आके बैठ गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर बैठा। जो है तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दें, हैं यहाँ पर रहने पर नहीं, ये किसी का घर है, आपका घर वही है अभी। तो यार मैं आपको बता रहा था, ये पहले डोर हमारे पास ऊपर था, आपको पता है जैसे ही हम इनको दाना देते थे, चेक करते थे इनके अंडे शंडे, तो यहाँ से निकलती थी ज़ेब्रा फिंच अपने घर से, सीधा सीधा उसका रास्ता था यहाँ से बाहर। तो आज यार इसके डोर को मैंने दूसरा बना लिया, डबल डोर कर दिए इसके, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा कभी। ये देखिए अंदर काटने का, ऊपर वाला डोर हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको लॉक कर देंगे, जब कभी चेक करना हो इसका अंडे शंडे तो चेक कर लेंगे। नीचे वाले डोर से हम इनको पानी देंगे, दाना देंगे, यहाँ की सफाई किया करेंगे। आपको पता है ये जो फीमेल ज़ेब्रा फिंच मेल है ये ऊपर ही रहती है ज़्यादा, तो नीचे कम ही बैठती हैं, तो इसलिए हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। अब ये हमारी नहीं उड़ेंगी इंशाल्लाह। तो डोर यार इसका तैयार हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ जी। बस इसका थोड़ा सा काम रह गया करने वाला, कब्ज़े लग गए हैं, लॉक लग गया इसका, सारा कुछ मतलब नेट शेट लग गई है, लकड़ी का ये फ्रेम मुकम्मल तैयार है। बस क्या करने वाला जी, ऐसा ये वाला गोला लेके आना है और यहाँ पर लगाना है दोबारा से, ताकि ये साफ़ लगे। ऐसे देखें कितना बुरा लग रहा है, यहाँ पर भी लग जाएगा, डोर पर भी, हर तरफ लग जाएगा, तो ये ज़रा साफ़ साफ़ लगेगा। तो ऐसे यार नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने आज काम को रोक दिया। आज जुम्मा है तो सारी दुकानें बंद है, सुबह इंशाल्लाह दुकानें खुलेंगी। सबसे पहले हम सुबह इनका ला के गोला वो लगाएंगे इनको हर तरफ, फिर उसके बाद इनको फिटिंग करके इस डोर की इन सफाई करके, नेस्टिंग मटेरियल अगर मिल गया कल तो डाल के, नहीं तो इनका दाना शाना डाल के इनको शिफ्ट करेंगे। और दूसरी एक और चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखें मेरे रैबिट्स दोस्तों, मैंने जिनके अंदर सीड्स लगाए थे ना, यहाँ पर तो बड़े मुर्गे ने, ये नए वाले मुर्गे ने इधर बैठ के यहाँ पर सारे सीड्स बाहर निकाले। ये देखें यहाँ अभी भी नज़र आ रहे, ये भी है, ये भी, ये भी। उसने अच्छा इसको ना मतलब मिट्टी को ना अपने पाँव के साथ काफ़ी खिला रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये रैबिट अभी देखा आपने, वो इसके अंदर घुसा, यहाँ उसने तीन बार बैठ के इधर खुदाई शुरू की है। पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों इसके अंदर से क्या निकालना चाह रहा है। मुर्गी ओजी ने हमारे ने आज ये वाला गमला गिराया था, ये देखें मिट्टी सारी इधर गिरी है, मैंने दोबारा डाली उठा के। आज इन सब ने बड़ा तंग किया हुआ है, यहाँ पर जो दाना गिरा था ना, यहाँ देखे इनने काफ़ी सारा खा लिया, अभी ये थोड़ा बहुत बचा, ये भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मानो देखे हमारी, मानो ज़रा आज़ाद है, मानो ने अपना एक पंख तोड़ लिया, पता नहीं कहाँ गिराया, काफ़ी बड़ा पंख था, इधर ही कहीं छत पर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी अगर मिल गया तो। मानो कहाँ जाना है आपने, ओजी और फीमेल वाली जो है जी बैठी है, मजीद जो है अंडों पर बैठी हुई है। देखिए कैसे ये कुछ जगह पास चले जाते हैं, उसे सेफ्टी देना। तो यार इसके अंदर एक चीज़ दिखाने लगा था मैं आपको, ये देखिए मैंने बॉक्स इस घर के साथ लगा दिया, ज़ेब्रा फिंच का दूसरे वाला भी, इसको यहाँ फिट कर दिया। ओ चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी के घर में जाना भी नहीं चाहिए ऐसे। तो टोकरी वहीं है हमारी, ये डब के लिए लगी थी, ये यहीं है, ये हाउस इधर, ये भी ठीक है अपनी जगह, ये बॉक्स लगाना था ये भी लग गया। अब हमारे पास दो जोड़े हैं फीमेल का ज़ेब्रा फिंच के, तो दोनों इंशाल्लाह एक एक बॉक्स ले लेंगे और अपने अंडे शंडे देंगे। और मैं एक और चीज़ दिखाऊँ यार, ये पता नहीं क्या इतनी छोटी छोटी सी हैं ये ज़ेब्रा फिंच, इनमें भी लड़ाई हो जाती है, मैं इस बात से हैरान हूँ। ये जो डार्क वाली मेल है, ये दूसरी जो ऊपर बैठी है ना ये स्टिक में इसके साथ काम पर की, वो नीचे इकट्ठियाँ बैठी है, ये दोनों आपस में लड़ रही थी। ये जो ब्लैक वाली है, डार्क वाली है ज़्यादा, ये उसको बहुत मार रही थी बार बार उसके पीछे। मैंने दो तीन बार इनको ऐसे हटाया भी है कि यार हट जाओ ना लड़ो, पर ये इसको पता नहीं क्या मसला है, उस मेल को इसने आज काफ़ी मतलब धुलाई करने की कोशिश की है। मैं हैरान हो रहा था, इतनी छोटी छोटी है ये भी लड़ती हैं आपस में। डब हमारी जो है वो अकेले बोर हो रही है, लेकिन खैर इनने दिल लगाया बस का भी तो इतनी नहीं होती। इसका यार डोर खोल देते हैं, जो है हमारे ने आना अपने केज के अंदर, जोए को लेके आते हैं। चलो 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 चलो,
नीचे घुस गया और मानो कहाँ गए मरे। कॉकटेल किधर गया वो? अच्छा ये देखें, ये यहाँ पर है जी। मैं कहूँ पता नहीं कहाँ चले गए हो, कहाँ छुप गए हो तुम यहाँ पर। ये देखें इसने ये लटक रहा है इसका पंख, हाथ नहीं लगाने दे रहा, मैं इसको पकड़ के उतारूँ। ये देखें मैं कह रहा हूँ मैं इसको उतार देता हूँ, इसको तंग करेगा। इनका मैं केज यहाँ ला के रखता हूँ, फिर ये बैठ जाएंगे इसके अंदर दोनों ही। आ जाओ देखना जी, जो जाता बंदर जो है कोई अपने घर की पहचान है, अगर उसको अपना घर का डोर बंद मिले फिर वो इसके अंदर आ जाता है। जो भी इसको केज नज़र आ जाए उसके अंदर चला जाता है। तुम भी आ जाओ, यहाँ देखिए जी, यहाँ मेल वाला जो कॉकटेल अंदर बैठा काफ़ी देर से, वो पता नहीं ये बंदर बैठा सेटिंग कर रहा है क्या कर रहा है, अंडे शंडे तो दे नहीं रहे। अच्छा अब तुमने उतरना है, उतरा नहीं जा रहा जी इससे, ये लो इस पे उतरो। लो जी ये देखिए डोर के ऊपर बैठ गया, अब ये इसके अंदर खुद ही चला जाएगा। इसको भी केज के अंदर बैठने की आदत हो गई है, ये भी नहीं अब उड़ता। ये बड़ा गुस्से वाला है, क्यों मारते हो मुर्गियों के पीछे, क्यों पड़ जाते हो ऐसे हैं, ये बड़ा गुस्से वाला है। वो देखिए जी हमारे रैबिट कहाँ घुसे हुए हैं, वो देखिए अंदर चला गया, कितनी इनको घर की पहचान हुई। अब इसको पकड़ूंगा ये भी जाएगा, ये चले भाग के, लेकिन एक जो है ना मेल वाला वो अंदर चला गया, फीमेल वाली बाहर छुप रही है। चलो जाओ भी अंदर, फिर ओजी जो है ना बाहर आ जाना। ये काटता भी बड़ी ज़ोर से, इससे तो डर ही लगता है इससे तो। चलो जाओ अंदर यार, हमारी मुर्गी ने कोई अंडा शंडा नहीं दिया अभी तक। मैं सोच रहा था कि यार बड़ी बड़ी मुर्गियाँ अंडे दे देंगी, पर कोई नहीं अभी तक। देखें अभी तक सफाई कर दी थी इनकी, थोड़ी चेंज कर दी थी, पर अंडा शंडा नहीं इन्हें दिया। दे देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ओए ओए तुम उसकी दुम खाने लगे, इसकी दुम देखे कितनी गंदी हुई है यहाँ से। चलो जाओ ना अंदर, मैं तुम्हारे इंतज़ार में, तुम जाओगे अंदर तो फिर मैं यहाँ से उठूँ। शायद ये खुद ही चला जाए अंदर। फिर उसके अलावा यार ये जो हमारी ज़ेवरा फिंचन है, कल इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करके डोर को हम उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। खैर मुकम्मल तो अभी भी यार लगा सकता हूँ उसको, क्या कहते हैं डोर को, बाकी फिटिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, एक बार ही कम्प्लीट करूँ काम, उसके बाद ही इनको इसके अंदर शिफ्ट करूँ, फिर ही यार ठीक रहेगा। अगर इन अंडे शंडे भी देने हों ना तो इनको फिर तंगी नहीं होगी मेरी वजह से, जो मैं अगर कोई कील शील लगाऊँ कोई लकड़ी शकड़ी का काम करूँ तो इनको तंगी नहीं होगी, तो इसलिए इनको एक बार ही शिफ्ट करेंगे इसको मुकम्मल करके। ऐसे नहीं तुम उतर नहीं रहे नीचे। अच्छा इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, देखना मैं हाथ लगा, अच्छा नज़र पड़ गई, देखना कैसे करता। गुस्सा करता, करो करो खारिश तुम। बस आ गए बाहर, क्या करने गए थे बताओ मुझे। यार यहाँ से सामने कर दिया ना इसका वो मैंने होल, तो यहाँ से मुझे साफ नज़र आ जाता है। अगर अंडा इनने दिया अभी तो भी मुझे सामने नज़र आ जाएगा, भाई रहेंगे तो सामने पड़ा होगा अंडा नज़र आ जाएगा। पहले तो साइड में था तो मुझे खोल के चेक करना पड़ता था, तो मैं कह रहा था अगर जैसे मैं खोलता हूँ तो ये तंग ना होते हो, ये फिर अंडे ना दें, कहते होंगे हमारी जो बनाई जगह है वो ख़राब कर दी है, इसलिए मैं फिर अब इसको खोल नहीं रहा, इसको मैंने सामने कर दिया इस होल को, इधर देख लिया करेंगे। वो देखिए जी फीमेल वाली बैठी है, इंशाल्लाह यार थोड़ा थोड़ा करके इनके ना बच्चे भी आ जाएंगे, और वैसे भी हम अपनी छत को ना अपने ये छोटे छोटे बर्ड्स एनिमल से भर देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप भी दुआ करते रहिएगा, मिलते हैं कल आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।